से गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अंजलि भाटिया जो कि ब्रिटिश टेलीकॉम में काम करती हूँ। मैं आज का जो टॉपिक कवर करना चाहती हूँ वो होगा हार्ड स्किल्स वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। ये हार्ड स्किल्स क्या है? ये हार्ड स्किल्स और कुछ नहीं, वो एबिलिटीज हैं जो कि आप मेहनत करके लर्न करते हैं, जैसे कि किसी चीज को याद करना, कुछ लिखने की प्रैक्टिस करना, मैथ्स को सॉल्व करना, कंप्यूटर्स के प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, ये सब हार्ड स्किल्स में आते हैं। और सॉफ्ट स्किल्स वो एबिलिटीज हैं जिसके द्वारा आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आप अपने साथियों के साथ कितने प्यार से मिलजुल कर काम कर पाते हैं, ये सब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। कुछ इम्पोर्टेंट हार्ड स्किल्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स, जो एनालाइज करने के स्किल्स, एक चीज को प्रेजेंट करने के स्किल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, ये सब आते हैं हमारे हार्ड स्किल्स। और सॉफ्ट स्किल्स में आते हैं आपका टीम वर्क, आपका काम करने की एबिलिटीज, आपके वर्क एथिक्स, आपके एटिकेट्स, आपका बात करने का तरीका, ये सब आते हैं सॉफ्ट स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट, ये भी सॉफ्ट स्किल्स का ही पार्ट है। अब मैं आप सबको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी जिससे कि आपको हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बीच का डिफरेंस और बारीकी से समझ में आए। जैसे कि एक कंपनी जो कि एक लाइट बल्ब को प्रोड्यूस करती है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, लर्निंग एबिलिटी और रेगुलर प्रैक्टिस से उन्होंने अपने नए तरीके के लाइट बल्ब्स इन्वेंट करे और उनको मार्केट में रिलीज करा। सडनली क्योंकि वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट थी, बेटर थी, आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए। बट थोड़े समय के बाद दूसरी कंपनी ने भी उस टेक्नोलॉजी के बारे में मेहनत करके जान लिया। ये थे हार्ड स्किल्स जो कि प्रैक्टिस, मेहनत और करने से इंसान को एक ने सीखे पर दूसरे ने भी सीखे। लेकिन धीरे धीरे दूसरी कंपनी ने भी उसको बनाना शुरू किया। अब पहली कंपनी जिनकी ये टेक्नोलॉजी थी उनके प्रॉफिट्स डिप हुए। सॉफ्ट स्किल्स, दे गिव यू एन एज ऑफ यू नो सेलिंग इट इन अ यूनिक मैनर व्हिच गिव्स यू बेटर प्रॉफिट्स अगेन। सो हार्ड स्किल्स कैन बी लर्न बाय एवरीवन। सॉफ्ट स्किल्स यू नीड टू रियली वर्क ऑन देम, बी माइंडफुल ऑफ योर टीम वर्क, योर टाइम मैनेजमेंट, योर प्रेजेंटेशन, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट few decades, I would say, हम लोगों ने ये realize करा कि जितने hard skills important हैं, soft skills भी उतने ही ज़रूरी हैं। आप किसी को किस तरीके से चीज़ पूछिए, उस तरीके से भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। धन्यवाद।